विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी समेत कई सीनियर खिलाड़ियों को आराम देकर बीसीसीआई ने निदहास ट्रॉफी के लिए रोहित शर्मा की कप्तानी में एक युवा टीम का ऐलान किया था। बोर्ड के इस फैसले का सबसे बड़ा मकसद टीम इंडिया के लिए बेंच स्ट्रेंथ तैयार करना और 2019 विश्व कप से पहले इन युवा खिलाड़ियों को ज्यादा से ज्यादा मौके देना था। भारतीय टीम निदहास ट्रॉफी में अब तक 2 मैच खेल चुकी है और दोनों ही मैचों में रोहित शर्मा एक ही प्लेइंग 11 के साथ उतरे थे। हालांकि तीसरे मैच के लिए टीम इंडिया ने बड़े बदलाव का मन बना लिया है। एक बड़े खिलाड़ी को इस मैच की प्लेइंग 11 में शामिल किया जाएगा। हालांकि संभावना 2 और बदलाव की भी है, लेकिन फिलहाल ये 2 बदलाव कंफर्म नहीं है, जबकि 1 बदलाव पक्का है। और यही नहीं, रोहित शर्मा खुद भी बलिदान देने को तैयार है। इसके लिए भी तैयारी करीब करीब हो चुकी है। श्रीलंका के खिलाफ T20 मैच से पहले भारतीय टीम के अभ्यास सेशन के दौरान KL राहुल, दीपक हुड्डा और अक्षर पटेल ने नेट पर जमकर बल्लेबाजी की, जिसका मतलब साफ है कि ये तीनों ही खिलाड़ी टीम मैनेजमेंट की प्लानिंग में हैं। अब किन खिलाड़ियों को बाहर किया जा सकता है और किसे टीम में लिया गया है, ये हम आपको बताते हैं। टीम इंडिया के लिए इस मैच में शिखर धवन के साथ ओपनिंग KL राहुल करते हुए नजर आएंगे। जी हाँ, हिटमैन रोहित शर्मा की जगह पर राहुल ओपनिंग करेंगे। राहुल टीम इंडिया के T20 में सबसे ऊंची रैंकिंग वाले खिलाड़ी हैं और लगातार बेंच पर बैठे हुए हैं, लिहाजा इस मैच में राहुल को ओपनिंग के लिए भेजा जाएगा। रोहित शर्मा इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। ऋषभ पंत लगातार 2 मैच में फ्लॉप रहे और इसका खामियाजा पंत को भुगतना होगा और आज के मैच में ऋषभ पंत की जगह पर राहुल टीम में होंगे और हिटमैन रोहित शर्मा खुद तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आएंगे। वैसे इसमें कोई नई बात भी नहीं है, रोहित शर्मा IPL में मुंबई इंडियंस के लिए भी कई बार तीसरे नंबर पर ही खेलते हैं। बात चौथे नंबर की करें तो यहां पर सुरेश रैना खेलने आएंगे, जिन पर मध्यम क्रम की जिम्मेदारी होगी, जबकि 5वें नंबर पर मनीष पांडे को ही खिलाया जाएगा। 6ठा नंबर विकेट कीपर दिनेश कार्तिक का भी पक्का है। अब बात करते हैं 7वें नंबर की, तो यहां पर पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी विजय शंकर को ही खिलाया जाएगा। शंकर को अब तक इस सीरीज में बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला है, जबकि उन्होंने गेंदबाजी से खासा प्रभावित किया है। 8वें नंबर पर वॉशिंगटन सुंदर खेलेंगे और सुंदर ने भी पिछले मैच में अच्छी बॉलिंग की थी। स्पिन विभाग में सुंदर के जोड़ीदार युजवेंद्र चहल ही होंगे और वो भी लगातार अच्छा खेल दिखा रहे हैं, जबकि 2 तेज गेंदबाजों में भी शार्दुल ठाकुर और जयदेव उनादकट का ही नाम अभी तक फाइनल हो पाया है। हालांकि टीम मैनेजमेंट दीपक हुड्डा और अक्षर पटेल को भी आजमाने के मूड में है, लेकिन अब इन दोनों खिलाड़ियों को किन की जगह पर आजमाया जाएगा ये फिलहाल साफ नहीं हो पाया है। हालांकि KL राहुल का खेलना पक्का है और राहुल ओपनिंग करेंगे। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।